नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा होने वाली है और दोस्तों उसी के लिए हमने बायोलॉजी के क्वेश्चंस और आंसर हिंदी में तैयार किए हैं, जिसमें बेसिक बायोलॉजी हम आपको कवर कराएंगे। और दोस्तों लगभग 2-3 वीडियो में मैं कम्प्लीट आपको इसमें जो बेसिक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी से आते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी हम इसमें आपको कवर करा देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ये दोस्तों पार्ट वन है। लगभग 2-3 वीडियो में मैं आपको जो परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है दोस्तों, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इनके दोनों कक्षों में केवल अशुद्ध रक्त आता है जो कि शुद्धिकरण के लिए क्लोमों में जाता है और वहाँ से सीधे विभिन्न अंगों में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन यानी कि मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? दोस्तों मृदा बोले तो मिट्टी, ठीक है, ये दोस्तों एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। मृदा विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो है इसकी पेडोलॉजी, दूसरी है एडाफोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी में मृदा की संरचना और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि एडाफोलॉजी में जीवित चीज़ों जैसे पौधे, कवक, अन्य जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों प्राकृतिक चयन कहा जाता है। जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। फिर आता है कौन सी यानी कि कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? दोस्तों एरेकनोलॉजी, ये मकड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं। इसमें मकड़ियाँ संघ ऑर्थोपोडा के एरेकनिडा वर्ग के प्राणी हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? 4 जोड़ी आँखें होती है, मतलब 8 आँखें, एक जोड़ी में 2 आते हैं। फिर नंबर 6 आता है, ये क्या कहता है, कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? दोस्तों घोंगा, ठीक है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हैचलिंग, और कोड मछली के बच्चे को बोलते हैं कोडलिंग, और हंस के जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं गोसलिंग, और मछली के बच्चे को बोलते हैं फिंगरलिंग या फ्राई। ठीक है, नंबर 8 आता है, रीढ़ की हड्डी वाला यानी कि वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? ये दोस्तों कीवी होता है, यह पक्षी वर्ग में आता है और न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। दोस्तों ये उड़ने में असमर्थ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बार्क। किसके अधिकतम पैर होते हैं? दोस्तों सहस्त्रपाद इसके अधिकतम पैर होते हैं, और यह संघ ऑर्थोपेडा के डिप्लोपोडा वर्ग का प्राणी है। ठीक है, नंबर 11 क्या कहता है, जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? ये होता है एनिलिडो। फिर नंबर 12 आपका आता है, ये कहता है सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा, ब्लू व्हेल। इसकी लगभग 35 मीटर की लंबाई होती है और वजन इसका 150 टन होता है। ये सीटेसिया वर्ग में आता है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। इसकी त्वचा के नीचे वसा का तापरोधक स्तर बल्बर पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नंबर 13 आता है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ये दोस्तों मेसोजोइक ईरा यानी कि डायनासोर भीमकाय सरीसृप थे, ये मेसोजोइक ईरा के दौरान फले फूले थे। ठीक है, नंबर 14 आता है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपाई प्रजाति कौन सी है? ये है दोस्तों ब्रेबल के मेलोमेश, यह चूहे जैसी प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया चूहे के नाम से जानी जाती है। फिर नंबर 15 आता है, मार्सुपियल्स का उदाहरण है, यह है कंगारू। फिर 16 नंबर क्या कहता है, लीमर क्या है? दोस्तों मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है जो कवल मेडागास्कर द्वीप पर ही पाए जाते हैं। फिर नंबर 17 आता है, किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ये मछली में पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? ये चूहा है। फिर आता है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसका नीला होता है और इनकी 2 आँखें होती है, 8 भुजाएँ होती है।
फिर नंबर 20 आता है, एक भू शुकर और भू वर्क के बीच अंतर क्या है। भू शुकर दोस्तों सुअर जैसा दिखता है और भू वक्र एक लक्कड़ बग्गे के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आता है एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। इसे दोस्तों ड्रोमडेरी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है जिसे बोलते हैं कैमेलस ड्रोमडेरियस। फिर आता है हाथी, भालू, गेंडे, ये किसके उदाहरण हैं, ये सभी स्तनधारी है। फिर आता है अनुवर्तन, अधिकांशतः दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास। फिर नंबर 24 आता है ओनिरोलॉजी, किसका अध्ययन है दोस्तों, ये सपने का अध्ययन है जिसमें सपने आते हैं उसे ओरिनोलॉजी बोलते हैं। फिर नंबर 25 क्या कहता है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, इसे भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। फिर नंबर 26 आता है मृदा यानी कि मिट्टी के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, ये है दोस्तों भूमि विज्ञान। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कंपोस्टिंग बोलते हैं। कवक विज्ञान क्या है, ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ठीक है, जिसमें यानी कि जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया का अध्ययन है, विषाणु विज्ञान वायरस का, परजीवी विज्ञान परजीवियों का अध्ययन है। 29 नंबर क्या कहता है, लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये किया था सैमुएल हार हेमन ने। फिर आता है पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, काफ़ी फेमस है और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, ये भी आपको पता होगा। फिर नंबर 31 क्या कहता है, विज्ञान विज्ञान एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। फिर नंबर 32 आता है, ये कहता है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, ये बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। फिर आता है आपका भोजन नली की दीवारों पर संकुचन प्रसारण डैश गति कहा जाता है दोस्तों, ये होता है कर्माकुंचनप, ठीक है, मतलब भोजन करने वाला जब ग्रास नली या भोजन नली के दीवार पर संपर्क में आता है तो दीवार पर पेशिया यानी कि पेशियों के संकुचन और प्रसारण के कारण निवाला तेजी से खिसक जाता है और अमाशय में पहुंच जाता है, यही इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, नंबर 34 कहता है कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है दोस्तों, गुर्दे, ये उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। फिर आता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये यकृत में होता है और यूरिया का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं NH2CONH2, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नंबर 36 क्या कहता है, डैश का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रभाव से हानि उन्मूलन करना, ये है दोस्तों गुर्दे का प्राथमिक कार्य है ये मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि उन्मूलन करना। नंबर 37 नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा है दोस्तों, एक गुर्दे के साथ जुड़ा है नेफ्रोलॉजी, गुर्दे की बीमारी व उसके उपचार से संबंधित होता है। ठीक है, फिर आता है नंबर 38 वीविपारा, ठीक है, ये क्या होता है, अंडा देने वाले जीव को ओविपारा तथा बच्चे के रूप में नन्हे जीव को जन्म देने वाले सजीव को वीविपारा कहा जाता है। फिर आता है कौन विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवनसाथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है, ये होता है दोस्तों एक्सोगेमी। ठीक है, फिर नंबर 40 क्या कहता है, खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक है, ये उत्पादक की है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, ये बैंगनी भूरे से थोड़ा काले रंग का होता है। फिर आता है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, ये है हेपेटोलॉजी। ठीक है, 2015 में खोजे गए अनु एंटीबायोटिक का नाम क्या था, ये था टेक्सोबैक्टीन, 2015 में इसकी खोज की गई थी। फिर आता है स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं भूस्तरीय ओजोन। ठीक है, नंबर 45 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी, ये चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है, फिर आता है ओटीसी दवा क्रोशीन डैश एक दवा है दोस्तों, क्रोशीन जो होती है ये दर्दनाशक और ज्वरनाशक, ज्वर बोले तो बुखार, ये बुखार भी कम करती है और आपका दर्द को भी कम करती है। ठीक है, फिर आता है 47 इसमें क्या कहा गया है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली को क्या कहते हैं का नाम क्या है,
ये है दोस्तों बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ठीक है, किसका अर्थ टायरेंट लिजर्ड किंग है, ये दोस्तों टायरेनो सोरस रेक्स का नाम है, ठीक है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की जो खुशबू होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेट्रिचोर। फिर आता है आज का आखिरी सवाल नंबर 50, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, इसे वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई अपडेट या कोई भी नई वीडियो तुरंत आपको उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।